अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप फ्रेश तरोताज़ा पुरसकून और रिलैक्स होंगे और डिप्रेशन से आ रही होंगे, क्योंकि पिछले प्रोग्राम हमने डिप्रेशन पे किया था और नेचुरल तरीके से डिप्रेशन के इलाज भी किया था। कैसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी हम डिप्रेशन पे बहुत सी बात करेंगे इस चीज़ों पर। लेकिन आज जो है आज का प्रोग्राम गुर्दों और कमर का दर्द। कभी कभी हम हमारे दर्द गुर्दों में होते हैं, कमर दर्द कर रहे होते हैं, और कभी कमर में दर्द होते हैं तो यहाँ पर पसलियों में दर्द, यही पे दर्द आ जाता है, ये साइडों पे। तो हम समझते हैं कि शायद हमारे गुर्दों में दर्द है, तो हम गुर्दों का इलाज करना शुरू करते हैं। या अगर गुर्दों में प्रॉब्लम हो तो कमर में दर्द आ जाता है, तो हम समझते हैं कि शायद हमारे जो कमर है उसकी कारकर्दगी से नहीं, तरहाल के गुर्दों की कारकर्दगी से नहीं होते, या कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कमर में, क्योंकि कमर सेंसिटिव है और कमर जो है ना, कमर से कंट्रोल होती है बहुत से बॉडी के हिस्से। तो जहाँ पर कहीं ना कहीं कभी कभी हमारे अगर सर में भी कोई प्रॉब्लम है, नफ्सियाते आरिजाए कोई हमें टेंशन है, तो हमारे लास्ट मोरे में दर्द होती है, या फिर पूरे कमर में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, या ऐसा थकन थकन सा लगते हैं। नफ्सियाती मसला होते हैं और नफ्सियाती मसले की वजह से हमारी कमर में दर्द से क्या ताल्लुक, ऐसा कमर में दर्द से क्या ताल्लुक, नफ्सियाती मसला है। लेकिन नफ्सियाती ही तो है जो आपकी फिज़िकल बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए यह कमर समझा जाता है। सबसे पहले कमर पे बात करेंगे। ये एक रीढ़ की हड्डी, यानी ये समझते हैं मनबे, ज़िंदगी का मनबे समझते हैं, इंसानी स्ट्रक्चर का मनबे समझते हैं, क्योंकि यहाँ से जो असाब से ये कनेक्ट है आपके दिमाग के साथ, यानी आपके सर के कोपड़े के साथ, लास्ट मोहरे तक ये मोहरे चलते 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 और असबी रिशाते बॉडी को ये कंट्रोल करते हैं। अभी इस पर बात करेंगे मज़ीद, कमर के प्रॉब्लम्स वगैरह पे और गुर्दों के प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। आई कॉल होल्ड पे है, कॉल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी डॉक्टर साहब, आमिर अजीज़ बोल रहा हूँ, लाहौर जौहर टाउन से। माशाल्लाह आमिर अजीज, क्या क्या बात करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में, टॉपिक के मुताबिक? पहले अपना तारुफ इतना करवाता हूँ कि मैं 30 साल से ग्रुप से तल्लक करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या एनर्जेटिक, क्या से ताल्लुक, ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, पावरफुल ताल्लुक से और एक रूहानी ताल्लुक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात। मैं नदीम साहब, कारी साहब, फकीर साहब, हम लोग बड़ी बहुत ज्यादा खिदमत कर रहे हैं लोगों के साथ। माशाल्लाह, आजकल क्या खिदमतें हो रही? बस मरीजों का इलाज। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, अच्छी खिदमत है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग सब पीर साहब के साथ दे रहे हैं और साथ बिल्कुल, बिल्कुल आते जाते हैं और साथ ही बिल्कुल इलाज करते हैं। भी होती है माशाल्लाह, कल भी सीटिंग थी, परसों भी सीटिंग हुई है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत सारे पेशेंट जो है हमारे पास आते हैं, हम लोग हीलिंग करते हैं उनको। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और सर इस वक्त जो ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं वो किडनी के ही आ रहे हैं और बैक प्रॉब्लम के आ रहे हैं। आजकल किडनी के प्रॉब्लम ज्यादा हुआ क्योंकि लोग खराब पानी पीते हैं या कोई इस तरह करते हैं, कुछ चीज़ें खराब लेते हैं, किडनी की प्रॉब्लम ज़्यादा हुए क्योंकि पानी नहीं पीते हैं, और अगर पीते हैं तो गंदे पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से तो गुर्दों के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना, इन्फेक्शन होती है, पथरी होती है, इस तरह की। तो पानी अगर कम पिया जाए तो भी उसके प्रॉब्लम आ जाता है। तो साफ़ पानी गुर्दों के लिए लाजमी है, पीनी चाहिए, और दिन में कम से कम 12 गिलास, आप 20 गिलास 25 30 गिलास भी पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होते इसका। जी बिल्कुल डॉक्टर, पानी पेट नेमत है। बस थोड़ा सा नुकसान ये है कि वॉशरूम आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मसाना भी साफ़ हो जाते हैं, गुर्दे भी साफ़ हो जाते हैं,
मैदा भी वजूद को भी मिलते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बिल्कुल डॉक्टर, क्यों नहीं। और दूसरी नेमत है जी, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मसाइल है कमर के दर्द के, कमर के दर्द के भी बहुत सी वजूहत होती है, नफ्सियाती भी होती है, वज़न बढ़ने से भी होती है, पेट ज़्यादा निकलने से भी होती है, और साथ ही जो है ना मूवमेंट ना करने से भी होती है, मूव करने से। कभी कभी इंसान के कमर में दर्द आ जाता है, थोड़ा सा अगर वो काम करते हैं और मूव करता है, इधर उधर जाता है, तो कमर दर्द ठीक हो जाता है। उसका वजह क्या है? क्योंकि वजह ये है कि कमर मूव करते हैं, तो मूवमेंट से हो जाते हैं इंसान को। या जब टेंशन होते हैं, इंसान बिजी रहते हैं, तो बिजीनेस से इंसान के वो टेंशन डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है, यानी कमर दर्द ठीक हो जाती है, क्योंकि बिजी रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं वो। मतलब आजकल तो हमारा एक माहौल इस तरह का बन गया है ना, हर बंदा डिप्रेस है, स्ट्रेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। सही। और ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन होती जा रही हैं, जो आम डिजीज हैं, किडनी की बैक प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम हैं, दिल की बीमारी है, सारी कॉमन हो चुकी हुई है। सही सही। तो डॉक्टर माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग जो आप लोग, आपने हमें जो नेमत अता की है, अल्लाह की दी हुई ताकत हमें दी है आपने डॉक्टर, वो समझा है डॉक्टर साहब जी, उसके जरिए हम लोग जो भी पेशेंट इस किस्म के आ रहे हैं उन लोगों को हम लोग हील कर रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह 100% डॉक्टर हमें रिजल्ट मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब इसके साथ अगर हम लोग इसमें कलर थेरेपी को भी यूज करें तो वो भी बहुत इफेक्टिव है इन चीजों में। जी जी, खासतौर पर किडनी प्रॉब्लम में ना ये कलर थेरेपी भी बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि ज़रूरी है पीर साहब को भी बता दो, कारी साहब को, सबको बता दे। बात यह है कि जब मेरे पास एक वक्त जो था, कई हज़ार लोग दिन में आ जाते थे ना, तो उसको कई हज़ार लोग एक आदमी हैंडल करना, उनका इलाज करना, ये पॉसिबल नहीं होते। तो हम पॉसिबल कैसे बनाते? पॉसिबिलिटी ये था कि हम कलर को एनर्जाइज करके रखते पहले से, पानी को टेंके को भर के एनर्जाइज रखते पहले से, और शिफा जो होते उसमें, यानी दमशुदा चीज़ें के मकसद, वो पानी वगैरह को कोई चीज़ कहते हैं, लोग ले आते थे, ये धागा दम करा दो, ये फला कपड़ा दम करा दो, ये फला करा दो, ये। तो हमने क्या किया कि एक काला धागा लिए, उनको हमने बाज़ार से ख़रीद के ले आया, और इतना धागा था उसको हम दम करते हैं, नजायज़ करते, उसको रखते साइड पे, वहाँ से लोग वो काट देते और एक एक दे देते, गले में बांध लेते, या किसी ने बटवे में रखना या जेब में रखना, उससे एनर्जी मिल जाते हैं, या हाथ में यहाँ पर रखते, काला सा धागा, थोड़ा मोटा सा खूबसूरत सा धागा होता था, हाँ, यंग जनरेशन तो बिल्कुल वो लगा लेता था लाजमी। तो बात ये है, वो अच्छा भी लगता था यहाँ पर। जो आपने मुझे बताया है ना ये धागे वाली टेक्निक, जी जी, तब ये इसको मैंने यूज किया है। अच्छा। एक बुजुर्ग थे मेरे पास आए, तो उनको ना प्रॉब्लम थी, ये बैक प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर था, और साथ ना उनके ना ये जो गर्दन के मोहरे है ना, इनमें भी दर्द थी उनको ना। सही सही सही। तब उनको ना मैंने, उन्होंने एक रिंग भी पहनी हुई थी, चांदी की एक रिंग पहनी हुई, तो बड़े वो ना तंग थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ, मुझे किसी ने बताया था आपका। तो डॉक्टर साहब उनको ना मैंने ना सबसे पहले हीलिंग दी उनको मैंने, हीलिंग देने के बाद उसको डॉक्टर साहब मैंने उनकी ना उनको मैंने धागा दिया। अच्छा, उनका बुजुर्गो ये अपना जिसम के जिस मर्जी हिस्से पे आप बांध लें, इसको आपने उतारना नहीं है। उन्होंने सर वो धागा लिया और आपने बाजू पे बांध लिया, और उसके बाद उन्होंने पहनी हुई थी अपनी रिंग। मैंने कहा बुजुर्गो ये आप मुझे ना ये रिंग भी दे दें बाबा जी। सही। तो मुझे रिंग दी, मैंने उसको भी एनर्जाइज करके ना उनको पहना दी। सही। तो कुछ दिनों के बाद डॉक्टर साहब मैंने उसके साथ ना उनको पानी भी एनर्जाइज करके दे दिया। अच्छा माशाल्लाह। मैंने उनको बिल्कुल फ्रेश करके भेजा डॉक्टर साहब माशाल्लाह, उनको ना मैंने बहुत फ्रेश करके भेजा, बहुत अच्छा। कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि बेटा मुझे ना ये पानी दोबारा दम कर दो, मुझे बहुत ज्यादा फर्क है डॉक्टर साहब माशाल्लाह। सही। उनके वो तीन चार जो प्रॉब्लम थी ना वो ऐसे ही हल हो गई हैं। सही। इसी टेक्निक से। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत इफेक्टिव है ये मेथड जो है ना ये तरीका। बिल्कुल सही है। और आप पीर साहब को कह दो कि
अब वो अपने उसको एनर्जाइज करें और चीज़ों को कलर थेरेपी और धागा को साथ इस्तेमाल करें ना, बहुत अच्छा होगा, उनको ज़रूर ये मैसेज दे दे। सही जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। थैंक यू, आपने याद की है, बहुत शुक्रिया। सब टीम को मेरा सलाम कहना, हम लोग तो डॉक्टर साहब आपको बहुत मिस करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का ये मोहब्बत है और ये यकीन और ये जो जज्बा है जिसको इंसान के साथ जो आपकी हमदर्दी है, आप एक सोर्स है अदर्स के लिए और हम एक सोर्स है आपके लिए। अल्लाह ने हमें एक सबब बना के आपके लिए, आप सबब बन रहे अदर्स की और साथ सबब बन रहे जिल साइंसेस के, जिल साइंसेस को भी आपकी वजह से फ़ायदे मिल रहे, मुफीद साबित हो रहे हैं, इलाज भी एक मुफीद तरीका है और भी जिल साइंसेस के लिए। आपके लोगों के अच्छी नीयत, अच्छे ख्यालात, दिले खलूस, अच्छे इरादे, ये सब कुछ बेहतर करते हैं। अल्लाह ताला बहुत सी कामयाबी को ये चीज़ें सर करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी दुआ चाहिए। बहुत बड़ी बात है, समझने की बात पे है। देखें, आप लोगों ने समझा था, आप लोगों समझ सकते हैं इस चीज़ों को और यही दुआएं बन जाते हैं। ये सारा कुछ समझना जो होता है, कॉन्फिडेंस से आप लोग करते हैं और बहुत ताकत से करते हैं, मायूसी नहीं आती है आप लोगों के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सर एक बात और आपको बताऊं कि जब से हम लोगों ने पहला लेक्चर आपका सेमिनार अटेंड किया, उसके बाद हमने क्लासेस अटेंड की हैं जी, उस वक्त से लेके आज तक हमने कोई क्लास और ना कोई सेमिनार मिस किया जी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल याद है और हम रिपीट करते रहते हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को इतने अच्छे वो है रिजल्ट है, इतनी अच्छी बात है। असल में जो है ना, लोग एक बार जब इस चीज़ से फ़ायदा उठा के तो बस कुछ लोग होते 100 में से कोई 5% लोग होते हैं जो कि बस उन्होंने फ़ायदा उठा दिया, ख़त्म, बस राबिता कट, ना तो उस्ताद से राबिता और ना ही इदारे से कोई राबिता, बस वो फ़ायदा उठा रहे, बात ख़त्म। मैंने यहाँ पर एक आदमी देखा, मुलाकात हुई उससे 8 साल बाद जी सर, यहाँ पर मैं एक क्लब में गया था, तो वहाँ पर मैंने कहा था क्यों आप आ नहीं रहे, कहते हैं डॉक्टर साहब जो आपने चीज़ें दी है इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ने ऐसे मेरे मसाइल को हल किए और जो भी मैं करता हूँ, और आपको पता है, कहते हैं रोज़ाना मेरे पास हर शाम को मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, मैं अपना पहला मेरा जॉब था 8 साल पहले, आपसे मिलने के बाद अपना काम स्टार्ट किया मैंने, अल्लाह ने उतनी तरक्की दे दी है कि बहुत बिजी रहा मैं, और उस तरक्की जब मुझे अल्लाह ने दी है तो उसके बाद मेरा यकीन पुख्ता हो गया और फिर मैं जो है मैंने स्टार्ट किए। रात को मैं हीलिंग करता हूँ लोगों के, रात को लोग आ जाते हैं, थोड़े लोग सुबह आ जाते हैं, ऑफिस जाने से पहले बैठ जाता हूँ 1 घंटा और 1 घंटा मैं शाम को देता हूँ मरीजों को। तो कहते हैं इस 1 घंटे में 100-150 लोगों का इलाज हो जाता है, 2 घंटे में अल्लाह ठीक कर देते हैं, गरीब लोग आ जाते हैं उसका इलाज होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन देखिए कुछ एडवांस टेक्निक होती है, कुछ चीज़ें होती है, कुछ एक लगन होती है, एक उस्ताद का भी हक होते है ताकि आप उनको याद तो करें कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, काम कर भी रहे नहीं कर रहे, कॉन्टेक्ट तो करो एक, तो ये होता ही है कि इसी तरह स्टूडेंट के एक दिली खलूस होती है जो कि आप जैसे लोग हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल राबिता काट देते हैं जी सर, ये मेरे ख्याल में उनके लिए इतना बेस्ट नहीं रहेंगे जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत अच्छा, आपसे बात हो गई, मेरा सलाम सबको कहना जी सर, बहुत शुक्रिया। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसकी कोई मुज़िर असरात नहीं है। By our most powerful healing energy is Samda and our most successful formula HMN. Allah Taala ne aise jismani aur nafsiyati
بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدا ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. فائنڈ می آن گوگل، یوٹیوب اینڈ فیس بک. کانٹیکٹ اس اینڈ وزٹ سمدا ہیلنگ .com.